बताओ। ओके okay. सो अभी एक फोल्डर क्रिएट कर फंक्शन अप नाम का और एक पर्सनल नाम का, क्यों? इस पर्सनल और बैकएंड के रिपोजिटरी अलग अंदर. बनती है और फंक्शन ऑफ रिपोजिटरी अलग बनेगी, ऑटोमेटिक बनेगी वो, ठीक है? तो तेरे को क्रिएट करने की तो जरूरत मैम नहीं ने होती है। बोला था ना कि पहले एक बैकएंड का मैं क्या फोल्डर कह रहा क्रिएट हूँ, करना. बैकएंड का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर पर्सनल और वो दोनों अलग अलग बने जाएगी अपने आप। वो कैसे बनेगी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे तू लिंक डाल दे, ये तेरे फंक्शन अप वाली, जल्दी कर। Oh, which is the folder this is? No. बनाना, ठीक है? रुकमणी नहीं, तेरी नहीं डालनी है, फंक्शन आप वाले की डालनी है। ये लिखा ना, तू कर्सर क्यों चला रहा है? उससे आधा घंटा लग जाता है। हाँ तू, तेरे हाथ में कंट्रोल है ना, तो तू ही चला ये ले. ये देख, ये सबसे पहले यहाँ साहिबा वाली पे गए, ठीक है? हेलो, अभी क्या रेस्पॉन्स दिया करना जल्दी से। हाँ हाँ ना, सुन ठीक है, यहाँ पे कोड पे गए, यहाँ पे कॉपी किया इसको, ये अपने रूट होने वाली है रिपोजिटरी, ठीक है? यहाँ पे गेट पे गए, कौन सी है? हाँ सेकंड सेकंड. ये वाली है. Not found. गिट की स्पेलिंग गलत है. हाँ ये तेरे फोल्डर में जा रही है, अपना फोल्डर बन गया प्लूटो नेम नाम का, ठीक है? अगर तेरे को पर्सनल की भी बनानी है ये, यहाँ वेबसाइट पे तू गया। समझ नहीं रहा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रही. मैं मैम ने बोल जब रहा हूँ, मुझे जो स्टार्ट सुन, किया था ना, मैंने क्या तो बोल रहा मैम हूँ ने सुन, बोल. ये यहाँ पे फोक पे क्लिक करते हैं ना, ठीक है? तो अपनी रिपोजिटरी की कॉपी बनती है, तो तेरी कॉपी पहले ऑलरेडी बनी हुई है ये बैकएंड ट्रेनिंग नाम की, तूने उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक कॉपी बन गई तेरे इसमें। और ये इतनी सारी ब्रांचेस वगैरह लुक जो फाइल में आ रही हैं, जैसे अलग अलग आ रही हैं, वही तो बोल मेरी रहा तो हूँ तेरे नहीं आ रही थी. को, वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, बता रहा हूँ जो ये तेरे को पल पड़ रहा है अभी, ये ब्रांचेस क्या दे रही है इतनी सारी। ये मेरी थोड़ी है. हाँ तो उनकी है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक तेरी बनानी है एक उनकी बनानी है, ये उनकी बना रहे हैं, ठीक है? प्लूटोनियम वाले की, तो एक प्लूटोनियम वाले की तो कॉपी बना दी अपन ने क्लोन, ठीक है? अगर तेरी भी बनानी है, तेरी भी बनानी है, तो ये यहाँ पे कर ले, यहाँ कोड पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी किया,
यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये इसको तो कहाँ है वो किट पेस्ट, ठीक है। बन गए दोनों फोल्डर, बन गए पर्सनल, बन गए वो, बन गया ठीक है। तो आप तेरे को दिखा देता हूँ अंदर क्या पड़ा। ये देख ये प्लूटो नेम हो गया, ये तेरा हो गया। समझ आ रहा यार जो मैं बोल रही वो तुझे समझ नहीं आ रहा है तू मैं कह रहा नहीं हूँ, तू बस वो सुन, वो तेरी बात समझ गया मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो तो समझ आ रहा, समझ। जो तू बोल रहे मेरे को आ गया। क्या बोला मैंने अभी, यहाँ पे क्या है क्या? ये मैम का उनका रिपोजिटरी बन गया है और ये बैकएंड ट्रेनिंग मेरा है। हाँ ठीक है। अब तेरे को करना है कि वो सारी की सारी फाइल तेरे इसमें ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अब तो आप इसको सीडी प्लूटो नेम कर लेते हैं, प्लूटो नेम के अंदर सारी की पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को शो करना है क्या क्या पड़ा है इसके अंदर। इसके लिए कमांड होती है गेट ब्रांच करके, ठीक है। तो आप माइनस ए करते हैं अपन, तो इसमें क्या अंदर कुछ भी पड़ा है तो ये दिख जाएगा इसमें, ठीक है। इसको अपन इस पे स्विच करना है, सेशन इस वाली पे, है ना। हाँ गिट चेकआउट, इसके बाद अपन को क्या करना है, सेशन वाली, ठीक है। स्विच कर लिया, स्विच हो गया देन गेट है। ब्रांच और हाइफन ए अगेन ना चेक करेंगे। लिखना बाद में इसको, देख ले एक बार प्रैक्टिकल को। हाँ तो जो ही देख रही हूँ तो अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, चेकआउट के अंदर घुस गए अपन, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस शो करवाते हैं, क्या क्या ब्रांचेस है इसके अंदर। तो इससे अच्छा VS कोड में कर ये सब। रुक जाना, समझ ले एक बार, शांत रखा कर मन ठीक को, ठीक है। अब इसके अंदर फाइल देख क्या क्या पड़ी है, देख ये सारी फाइल है इसके अंदर, ये देख दिख रही है, हाँ ये सारी अपने आप ही ना। अब तेरे को इसको अपनी रिपोजिटरी में डालना है, ठीक है। इसको कमेंट किया, ठीक है। ये कह रहा है कि कुछ भी कमिट करने जैसा कुछ नहीं है, पहले ही बना हुआ है सब, है ना, कुछ भी नया नहीं है ना। आप करना है अपन को ओनली गिट पुश, ठीक है। अब गुड और गिट यहाँ पे पुश, हमारा वाला लिंक हाँ हमारा वाला लिंक है जो अब क्रोम में होगा। ये वाला क्रोम, ये तेरा है। अब यहाँ पे जाना है, इस पे कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सारा डेटा तेरे इसके अंदर आ गया। अब समझ आया। अब देख ये वाला सारा डेटा है, वगैरह चेक करना है अपन को, देखना ये तेरा है। अब इसके अंदर कितनी ब्रांचेस हैं, दो, ठीक है। हाँ अभी तीन हो जाएगी, ये भी बनी, देख कहीं लिखी आएगी ये रसेशन, 4 मंथ्स पहले बनी जो तेरे डायरेक्टली पुश करती है तेरे तेरे इसमें ब्रांचेस में आ रही है, देख आ रही है ना। हाँ अब तेरा वो खोल देते हैं VS वीएस कोड कोड, ठीक है। अब अपन ने कौन सा बनाया था, ये है इधर ये इधर इधर नीचे नीचे। ओपन करना। अरे ये वीएस कोड नहीं करना है अपन को, फोल्डर खोल तेरा कौन सा वाला अभी वाला जहां पे कोड डाला है,
ठीक है, बैकएंड वाला है ना। अब हम्म, अपने को क्या चलाना है इसमें? प्लूटोनियम चलाना है। बैकएंड ट्रेनिंग तो तेरे को इंपोर्ट करना आई क्या? इसको डिलीट मार रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी कुछ काम करनी है ये। यहाँ पे इसको यूं करो, यहां से ऐसे ही करना है, ओपन ध्यान रखना, हाँ ये रहा ओपन विथ कोड, ठीक ये है, हाँ सारी यही नहीं है ये अपने आप, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये सारे कोड दिए हुए हैं, ठीक है, इसको चला के देखना है एक बार, तो इसका टर्मिनल खोल देते हैं एक बार। टर्मिनल यहाँ से पावर बैच सेल को एक चेंज मिनट थोड़ा रुको करेंगे मुझे यहाँ भी कर से, लो। पावर सेल को चेंज करेंगे यहाँ पर। बैच कर देना। गिट गिट बैच, बैच। ठीक है, ये चल गया अपना टर्मिनल। अपन को पाथ देखना है अपन कहाँ है अभी, डेस्कटॉप बैकएंड एंड प्लूटोनियम के अंदर है, अगर प्लूटोनियम। देखना है तो वापस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, एक कमांड लगानी थी, क्या कमांड थी बता। ये ओपन विथ कोड कहाँ से होगा? अब सारी लाइब्रेरीज अपन को क्या करनी है, इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट करने का सिंटेक्स ये होता है, NPMI। हाँ ये सारी हो गई इंपोर्ट। यहाँ पे एक बन के आ जाएगा अभी, नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, ये इसके ऑटोमेटिक बन के आया, अंदर सारी सारे आ जाएंगे ना। आ गई है हमारे, आ रही है। क्या तो फिर रिप्लाई दो ना, करना है, मतलब फोल्डर में ओपन विद कोड नहीं आ रहा। ओपन विद कोड आता है उसमें, ओपन विद कोड नहीं करना है तो यहाँ से जाके कोड कर लेना, यहाँ से ओपन। प्लूटोनियम वाले फोल्डर पे ना। हाँ, नहीं तो अभी टर्मिनल पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अपन ने क्या किया, एक ही कमांड लगाया, npm i, ठीक है, ये क्या होता है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए होता है सिर्फ। अब इसके बाद एक और कमांड लगाना है अपन को, नोड वाला, नोड इंडेक्स डॉट js, ठीक है। अभी जैसे अगर इसको डायरेक्टली रन कराते हैं तो ये रन नहीं करेगा, कौन सा को फिर से करना? नोड ये वाला नहीं, इसके नीचे था। वापस दबा देता हूँ, ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। अब इसको इंटर दबाया तो ये वर्क नहीं करेगा। अब बता क्यों वर्क नहीं कर रहा है? क्योंकि हम उस मॉड्यूल के अंदर नहीं है। तो मॉड्यूल के अंदर जाने के लिए क्या करना है, SRC फोल्डर खोलेंगे, सोर्स। उसको। अब बेसिकली क्या हुआ है, अपन ये चाह रहे हैं कि नोड इंडेक्स डॉट जे एस है ना, नॉर्मली रन करा है अपन ने, तो अब वो क्या करता है, नोड इंडेक्स डॉट जे एस नाम की फाइल ढूंढता है। अब यहाँ पे कुछ फाइल दिख रही है इंडेक्स डॉट जे एस वाली, है ना, नहीं दिख रही है? तो नहीं अपन जैसे मैनुअली अपन जैसे क्लिक करते हैं ना, उसको क्लिक करने का मतलब है CDSRC ओपन करवाना, ठीक है। तो अब उसको एक्सेस कराएंगे इंडेक्स डॉट जे एस, तो उसको मिल जाएगी, तो फिर वो चल जाएगी, देखना, ठीक है। ये क्या पॉपअप आया? इसको अलाउ करना है, ये एड्रेस है जो बनने लग गया, ठीक है, एक्सप्रेस ऐप रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्रोम खोलेंगे, क्रोम खोल, क्रोम ओपन कर, नया टैब, ये तुम्हारा हट नहीं रहा है ऊपर, ये जो यहाँ पे टेप कर देना ये,
ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसका एड्रेस जो है लोकल होस्ट 3000 ऑब्लिक क्या है उसका, माय टेस्ट फाइल या क्या टेस्ट मी, लिखा है, टेस्ट मी है, हाइफन मी। टेस्ट मी है, हाइफन ये आ गया। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर थोड़े चेंजेस करा देते हैं। ये वाला था है ना, तो अब अपन को जैसे इसके क्यों अंदर वो चेंजेस टेस्ट करा लिए, मी कहाँ से दिखा है? वो यहाँ पे जाएंगे, तो मैम रूट ने के अंदर बता जाएंगे, रखा था, यहाँ पे लिखा इसमें रहेगा टेस्ट कहीं मी। शो ठीक है, होगा। हाँ ये ठीक है, इधर। अब टेस्ट मी को चेंज कर लेते हैं जैसा। ठीक है, आप यहाँ पे इसका एड्रेस एड्रेस भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, इसको क्या करना है। ठीक है, कंटेंट ठीक है, ये कंटेंट हो गया, ये उसका एड्रेस हो गया, उसको राउटर से गेट मिलेगा, तो यहाँ से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स में गए, अब यहाँ पे इसका जो एड्रेस आता है एड्रेस चेंज कर लेते हैं इसका। तो इसमें सेव वगैरह नहीं बन करना पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है, सर्वर साइड से चलता ही है। नहीं बताऊंगा वो चीज, अब यहाँ तेरे फेवरेट नंबर बोल दो कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ टर्मिनल पे गए अपन, अब इसको ये जो रन कर रही है इस फाइल को कंट्रोल सी से एंड करेंगे पहले, है ना, कंट्रोल सी से एंड हुआ। अब एंड होने के बाद क्या करेंगे, अब वो वाली फाइल वापस चला देंगे इंडेक्स डॉट जेएस को। ठीक है, ये रन कर रही है 3000 पोर्ट पे, है ना, तो अपन ने इसको सेव नहीं कराया, आई थिंक सेव कराना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको भी सेव कराना पड़ेगा, फोटो सेव ऑन नहीं कर गया तो ना, क्या यहाँ से ऑटो सेव ऑन रखना। ऑटो सेव मत करो, ऐसे ही करो सेव। नहीं, ऑटो सेव ठीक रहता है, ऑटो सेव में मेरा लाइव सर्वर दिक्कत करता है, मेरा नहीं करता फोन लैपटॉप थोड़ा ठीक नहीं है। है। सही है, 10 मिनट में एंड हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे जाना है। ठीक है, एक बार इसका इसको एंड कर लेते हैं, वापस चलाते हैं इंडेक्स डॉट नोड ड्रेस फाइल। ठीक है, एक्सप्रेस अभी रनिंग सेम ही ऑन, पोर्ट चल रहा है। ठीक सेम में चल रहा है ना, ट्राई करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। इसको 3000 पोर्ट को चेंज करके 3045 करें तो यहाँ पे इसको एंड कराते हैं, इसको वापस इसको फाइल को चलाते हैं। मुझे लग रहा है वो सेव नहीं हो रहा, ऑटो सेव में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि पहले, अरे नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पे इसको चलाते हैं इस प्रोग्राम पे। अब जैसे टेस्ट में की जगह क्या नाम लिखा था, रुक्मणी न्यू समथिंग लिखा था। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या पोर्ट डाला था अपने, 3045, 3045।
आ गया, हम्म, मतलब वर्क कर रहा है क्या? इसको भी चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे अब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे इसका एक और ट्राई करके देख लेते हैं। ये जो तो आउटसाइड आता है कंट्रोल सी से आ रहा है ना, ये 3000 एसी बताएगा, लेकिन वो रन अपने पोर्ट पे करेगा। ये क्या अपन ने मैसेज रन करा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कर रहा है एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट। मैसेज भी चेंज ये कर देंगे शायद अपन अभी। क्लाइंट क्लाइंट वो है वो, क्योंकि लोकल सर्वर है ना ये हमारा, तो ये मे बी मैसेज इसलिए। मैसेज प्रिंट कराया आई थिंक ये वाला, यहाँ पे ये वाला भी चेंज करके देख लेंगे एक बार, उसको चला के देख लेते हैं। अब जैसे उसका रिफ्रेश मारेंगे नीचे चले गए, क्योंकि अपन ने एड्रेस चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 9045। गया। या तो वी आर सक्सेसफुली न्यू प्रोग्रामर। इतना ही करना था, अभी तक यही सिखाया है, ठीक है। इसके बाद क्या सिखाएंगे? तुम तो बहुत एक्सीलेंट, तुम्हें सब तो पता रहता है, बताना जरा क्या पढ़ाएंगे इसके बाद। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, यही है। इसके अंदर जैसे इसका मैसेज भी चेंज करा देते हैं एक बार इसको बाहर ले आता हूँ। और वो नोट मॉड्यूल्स वगैरह को डिलीट कर दिया था, उसके बाद रन किया था वो वाला करके। करके बता देंगे, रुक रुक जा। ये ऊपर नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। अच्छा, लाइन खत्म हो गई। यहाँ पे कोई लाइन तो होनी चाहिए ना। इसका एक्सप्रेस रनिंग ऑन पोर्ट या इसमें है या नोड मॉड्यूल्स के अंदर होगी। मॉड्यूल के अंदर नहीं मिलेगी शायद। कौन सांस ले रहा है इतना? एक बार मुझे भी बता देना। सभी को बताया मैंने। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बताओ। प्रॉब्लम और तो सब आ गया, लेकिन बस वो जो यूआरएल चलाना है वो वहां पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा? क्या क्या कर लिया मैंने बताया जो कर लिया? कहाँ पे बताया? अभी बताया वो, एक एक बार मैं स्क्रीन शेयर पर इनका हो जाएगा। इनका नहीं, मैंने ये खुद से बताया था सारा का सारा जो आज पढ़ाया था। हाँ, मैं वही तो। करूँ मैं स्क्रीन शेयर? एक सेकंड, यहाँ पे मैं भी मिल नहीं रहा, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, अभी तक का तो ये वाला तो समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है।